ये जो फीस आप देख रहे हैं ये ऑस्कर है, इसे ऑस्कर बोलते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इस एक्वेरियम में दो फिश और है और दोनों पिराना का ही प्रजाति है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम फ्रेश वगैरह होके अभी फटाक से किचन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किचन में आए और मम्मी को आज हम रेस्ट करने देंगे और आज अपना रोटी हम खुद बनाएंगे। सब्जी बना हुआ है, बस रोटी अपना खुद बनाएंगे। तो देखिए और बताइए कि मेरा रोटी गोल बनता भी है या नहीं। तैयार हो गया है, रोटी एकदम गोल बना है, तो जल्दी से करते हैं इसे खत्म। शाम के 5 बज रहे हैं और आज सुबह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, उसके बाद फिर नींद आ गया तो बस सो गए थे। अभी उठे थोड़ी देर पहले, वही बोले भैया चलो चटकपुर चलना है। वहाँ के मेन बात है कि सीट टूट गया ऊपर का, वो जो अल्बेस्टर होता है ना वो टूट गया, तो उसको रिपेयर करना है। तो आज बस जाएंगे और रिपेयरिंग का सारा सामान लेके आएंगे कुछ। तो चलिए रास्ता का व्यूज़ दिखाते हैं आपको। हाल कैसा हो गया, मतलब ये टूटा हुआ बस अभी इसके ऊपर रखे है और दूसरे रूम का भी यही हुआ है, ये भी टूटा हुआ है और इसके ऊपर बस अभी रखे हुए हैं। तो कल आके इसे रिपेयर करेंगे। रिपेयरिंग करने के लिए ये दो स्विफ्ट लेके आया, बाइक ही पे लेके आया इसको भी। तो बस कल आएंगे और कल के ब्लॉग में मिलेगा आपको ये। ये जो फीस आप देख रहे हैं ये ऑस्कर है, इसे ऑस्कर बोलते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इस एक्वेरियम में दो फीस और है और दोनों पिराना का ही प्रजाति है, मतलब इसमें तीनों फीस मांसाहारी है।
इसने अगर कोई कीड़ा या फिर कोई बड़ा सा छोटा सा छिपकली भी गिर गया तो फटाक से ये इसे ख़त्म कर देता है। मतलब ये बहुत ख़तरनाक फीस है। उंगली डालिएगा तो उसको भी। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में एक कोरोना का प्लांट हुआ है। हमको लगता है कोरोना यहीं से फैला है, इसको काट देंगे आज। लगभग शाम हो गया है और घर के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, एकदम शांति छाया हुआ है। आज रोड में क्यों कोई आ नहीं रहा, कोरोना तो ख़त्म हो गया शायद। दूध वाले अंकल आ गए, जाते दूध ले लेते हैं। हाँ अंकल डालिएगा। क्या लेके आया तुम लोग, कहाँ गया था? तेल। कौन सा तेल है? सरसों तेल। हमको भी टॉफी होगा। पांडा टॉफी है। जाओ घर जाओ। अरे हाथ से खाओ, ऐसे कोई खाने का तरीका है? Hey guys, अभी जस्ट नाश्ता करके आया है, मतलब वही रात का खाना खा के आया है। रात के कुछ अभी 11 बज रहे हैं, बस जाते हैं सो जाते हैं। अब वीडियो एडिटिंग करना है थोड़ा सा, उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो जाएंगे। बताने के लिए कुछ खास नहीं है अच्छा, क्योंकि पूरा दिन मतलब इतना जल्दी दिन बीत जाता है, सुबह से तुरंत रात हो जाता है, पता नहीं चलता है। दिन भर पढ़ाई वगैरह करना पड़ता है, कुछ खास पता नहीं चलता है। बट हाँ, कल हो सके तो शायद कुछ काम होगा वहाँ पर। चटकपुर में आपने दिखाया था मैंने कि वहाँ पे वो अल्बिस्टर को जाम करना है, तो हाँ कल वहाँ शायद जाम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। टेक केयर।